हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, हमें दे रखा 2a 2ab। ए की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ 0 रखा मैंने। बी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 रखा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और देखो प्लस इनटू माइनस माइनस होता है, माइनस इनटू प्लस माइनस होता है, माइनस इनटू माइनस प्लस होता है, एंड प्लस इनटू प्लस प्लस होता है। इन चार रूल का हम यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। प्लस इनटू माइनस, बीच में निशान थी मल्टीप्लाई, प्लस इनटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा 2 1 2। 0 में से 2 माइनस किया कितना है, माइनस का 2। सेकेंड पार्ट देखो, 2a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 1। ए की जगह पे क्या रख दिया 0, बी की जगह पे -1। 2 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई 0, -1 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1। 1 + 1 कितना हुआ 2, सेकेंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट 2a² b प्लस 2ab² प्लस ए बी। ए की जगह रखा 0 का स्क्वायर, बी, बी की वैल्यू कितनी है -1, प्लस 2, ए की जगह 0, बी की वैल्यू -1, ए की जगह 0, बी की वैल्यू -1। 2 का 2, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को -1 से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। 2 को 0 से किया 0, -1 को -1 से गुणा किया प्लस 1, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया 0, 0 0 प्लस 0 0 0 आंसर हो जाएगा 0। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट a² ab² 2। ए की जगह हमने रख दिया यहाँ पे, ए हमें दे रखा है 0 का होल स्क्वायर, ए की जगह 0, बी की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है -1 प्लस 2। 0 को से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया 0 प्लस 2, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और यूज़ करना है x की वैल्यू को 2 के इक्वल। क्लियर, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। x प्लस 7, 4 ब्रैकेट x माइनस का 5, बीच में निशान नहीं मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 7 एज इट इज़ आ गया। 4 को x से मल्टीप्लाई, पहले 4 को x के साथ, फिर 4 को 5 के साथ, 4x 4 5 ज़ा 20। देखो ये 1x है, दोनों लाइक टर्म है, x है x, इसमें दोनों लाइक है, दोनों प्लस के, दोनों जुड़ के 5x। ये देखो ज़रा, ये माइनस का, ये प्लस का, 20 में से 7 जाएंगे 13, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। अब हमें यूज़ करना है x इज इक्वल टू 2, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ 2 रखा, 5 2 ज़ा 10, -13। 1 प्लस का हो, 1 माइनस का, हमेशा माइनस करेंगे। 10 में से 13 गया 3, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, 3 ब्रैकेट x प्लस 2, 5x माइनस 7, बीच में निशान है मल्टीप्लाई, पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 2 के साथ, 3 2 ज़ा 6, 5x माइनस 2। ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों प्लस के, दोनों जुड़ जाएंगे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, प्लस का 6 है, माइनस का 2 है। 1 प्लस का हो, 1 माइनस को माइनस करेंगे, 4 बड़ा कौन है प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का। x की वैल्यू 2 दे रखी हमें, यहाँ 2 रखा, प्लस 4, 8 2 16, प्लस 4 तो 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब डिस्कस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 7 दे रखा है, मैंने 2 लिखा हुआ गलती से, 6 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। आंसर हो जाएगा 8x माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पर है माइनस का 1। तो देखो 8 2 16, माइनस का 1, 16 में से क्या कितना आ जाएगा 15। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। तीसरा देखो, 6x + 5x माइनस में 2, 6x लिखा, बीच में निशानी मल्टीप्लाई, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा
10 आ गया। देखो दोनों प्लस के, दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11x, माइनस में 10, एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है हमें, यहाँ 2 रखा, माइनस का 10, 11 टू जै 22, माइनस का 10, एक प्लस का हो एक माइनस का, हमेशा माइनस करेंगे, माइनस किया तो कितना आ गया 12, 22 में से 10 गया तो 12 आ गया, क्लियर। तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट 4, 2x माइनस 1, 3x प्लस 11, क्लियर। बीच में निशानी मल्टीप्लाई, 4 टू जै 8x, 4 वन जा 4, 3x प्लस का 11, 8 में से 3 गया, ये भी प्लस का, ये प्लस का, दोनों जोड़े 8 और 3 11, 11 में से 4 जाएंगे प्लस का माइनस का, कितना आएगा 7, बड़ा कौन है प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का, 11x प्लस 7, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखे 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, प्लस 7, 11 दूनी 22, प्लस में 7, दोनों को जोड़ा, दोनों प्लस के, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का आ जाएगा 29। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।